हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग मैं दिव्या और दिव्या की दुनिया में आपका स्वागत है वेलकम बैक टू दी चैनल आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से हम लोग भी सही ठीक ही हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सुबह सुबह कितने बिज़ी रहते हैं और हर मोम इतनी ही बिजी रहती होंगी सभी तो हम दोनों मिलकर ही नहीं हैंडल कर पाते दोनों बच्चों को जैसे कि आप देख पा रहे हो अनवी भी नीचे परेशान करती है मतलब उसको भी देखना पड़ता है इधर उधर खिसक के भाग जाती है वो और ओनित को भी रेडी करना पड़ता है साथ में टिपिन वपिन बनाना तो मतलब ये मेरी हेल्प करवाते मैं अकेली तो हैंडल नहीं कर पाती हूँ जब तक मैं टिपिन बनाती हूँ अनवी को देखती हूँ तब तक ये ओनित को तो रेडी कर देती हूँ कभी कभी अनवी नहीं उठती है बहुत रेयर ही होता है कि अनवी ना उठे तो यहाँ पर मेरा टिपिन भी बन गया है तो मैं टिफिन रख देती हूँ मतलब मैं भी हेल्प कराती हूँ दोनों मिल ही करते हैं तभी हो पाता है और यहाँ पर ये बॉटल में ठंडा पानी भरा हुआ था तो अब जब से मतलब ऑनियत बीमार हुआ है तो उसको भी बॉयल पानी भर के देती हूँ मैं तो मैं उसको बॉयल पानी भर देती हूँ लेकिन वो भी स्कूल में जाके मतलब वहाँ से पी लेता है फिल्टर से निकाल के पानी पी लेता है वहाँ से और तो उसको थोड़ी कोल्ड टाइप की भी हो रही है लेकिन मैं यहाँ से तो भर ही देती हूँ और यहाँ पे मैं उसकी बुक्स वगैरह देख लेती हूँ पेंसिल बॉक्स चेक कर लेती हूँ कि पेंसिल इरेजर बराबर रखी हुई हैं कि नहीं और यहाँ से मैं उसे यही बात कर रही थी और पूछ के आना अपनी मैम से कौन कौन सी बुक रखना है कौन कौन सी नहीं रखना है क्योंकि सारी बुक्स रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है बच्चों पर तो वहाँ पर मैं बता रही थी कि ये ये नोटबुक रखी है तुम बताओ क्या क्या पढ़ाते हैं तो वो बोल रहा था मम्मा ये वाली रख दो वो वाली रख दो तो वही मैं रख रही थी उससे पूछ पूछ कर तो अभी थोड़ा समझदार हो गया है तो वो बता देता है कि ये पढ़ाते वो करते हैं तो वो बता रहा था मुझे मैं उससे यही डिस्कशन चल रहा था हम दोनों का तो मैं उसको बोल रही थी पानी यही वाला पीना उबला हुआ ठंडा मत पीना और हैंकी का बोल रही थी हैंकी मतलब हाँ खा, टिपिन ख़त्म करके अच्छे से हैंड बॉस करना और इससे पहुंचना तो यही मैं उसको सब समझा रही थी कि टिफिन पूरा ही ख़त्म करना क्योंकि वो पूरा ख़त्म करके नहीं आता है थोड़ा बहुत खाता है और बस ले आता है और यहाँ पे ऑनर भी रेडी हो गया है देखना कैमरे में देख रहा है वो और उसको दिख गया कि कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ से हट गया है बस उसकी सूज पहनाने थे तो ये सूज पहना देते हैं और मैं को ऊपर रख देती हूँ और वो उसका ऐसा ही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो उसको जैसे ऊपर रखा वो बेड से नीचे कूदने लगती है तो यही है ऑनज रेडी हो गया है बस उसकी जाने की तैयारी है और सुबह सुबह मतलब हम मैं साढ़े पाँच बजे उठती हूँ लेकिन फिर भी वो मैनेज नहीं कर पाती हूँ इतने जल्दी टाइम निकल जाता है आजकल पता ही नहीं चलता है आप आम लोगों को तो पता ही है कि जब स्कूल खुल गए हैं बच्चों स्कूल तो बहुत टाइम से खुल गए थे लेकिन मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आपके साथ ऑनिट का स्कूल रूटीन शेयर करूँगी लेकिन कर ही नहीं पा रही थी बहुत सुबह सुबह से बहुत बिजी हो जाते हैं तो कैमरा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और लेट भी हो जाते हैं वैसे वैसे भी आप देख पा रहे हैं घर कितना मैसी हो रखा है इधर उधर सामान पड़ा हुआ है सुबह का यही रहता है मेरा मैं मतलब इसके बाद ओनित चला जाता है इसके बाद मैं अच्छे से क्लीनिंग कर कर पाती हूँ सुबह तो यही होता है कि जल्दी जल्दी जहाँ जो हाथ लगता है वहाँ वो काम करते चलते हैं और यहाँ पे ओनित का मार्क्स दे देती हूँ मैं तो उससे बोल रही थी कि लगा के रखना निकालना मत जैसे अंदर जाओ वैसे ही लगा लेना तो यही था और उसके पापा बोलते हैं कि अभी से मत लगाओ अभी तुम जेब में रख ले के लेके जाओ अभी से थोड़ी घुटन होगी तो अभी मत लगाओ बाद में लगा लेना तो यहाँ पे ओनित रेडी हो गया है और अनबी को अब मतलब ओनित का तो हो गया मैं भी को भी देख लेती हूँ साथ ही साथ तो उसको पानी पिलाना था तो वो अनबी से बाय कर रहा था तो मैं उसको बोल रही थी कि अच्छे से पूरा सब कुछ लिख के आना और यहाँ पर ये स्कूल पहुंच गया है उन्हें तो अभी मतलब टाइम जो थोड़े पहले ही चले जाते हैं जैसे उसकी स्कूल का टाइम रहता है उसे दस दस एक मिनट पहले ही छोड़ देते हैं तब तक वो बच्चों के साथ उसके जो फ्रेंड लोग रहते हैं ना और यहाँ पे मैं तो चला गया था स्कूल और मैं अनवी को देख रही थी तो मैं उसको लिए हुए थी उसको मतलब थोड़ा उस जैसे ऑनित चला जाता है फिर अनवी पे ज़्यादा ध्यान दे दे लेते हैं जब तक ऑनित रहता है उतना ध्यान नहीं जाता है ऐसा लगता है जल्दी जल्दी सारे काम कर ले और फिर और रेडी कर दें उसको जैसे चला जाता है थोड़ा चैन की साँस लेते हैं कि अब चलो धीरे धीरे करते रहेंगे सारे काम और यहाँ पे भी को मैं खिला रही थी और ये देखिए ओनित का पेंसिल बॉक्स है जो कि हम लोग डी से लाए हुए थे वो ही कर रही हूँ मतलब ज़्यादा फॉक्स पड़ रहा है ज़्यादा रोशनी आ रही है तो ठीक से नहीं दिख, दिख पा रहा है ये मतलब स्कूल बस टाइप का है उसमें वो ही मैं दिखा रही थी आपको कि डी मार्ट से लाए हुए थे काफ़ी अच्छा है ऑन ले जाता था पहले स्कूल लेकिन वो वहाँ खेलता था तो उसकी मैम बोल रही थी कि इसको मत भिजाया करो क्योंकि बच्चे खेल खेलते रहते हैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते तो दूसरा वाला रख देती हूँ मैं इसको घर पे घर पे मतलब वो रहता है तो इसी में रखी रहती है उसकी पेंसिल वगैरह घर के लिए और अनवी को भी काफ़ी अच्छा लगता है तो वो भी इसी से खेलती है तो यहाँ पे ये एन भी हैं पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा खड़े खड़ा होने लगी हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पकड़ती है और खड़ी हो जाती है आ, ए, बहुत डर रहता है इसका गिरने का तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस पर इस, इस भी देखो उसको मज़ा आ रहा है और उसी पे ध्यान देना पड़ता है पूरा ये अभी मैंने भी मतलब नाश्ता नहीं किया हुआ था तो मैं नाश्ता लेके आ गई हूँ कि इसको देखती जाऊँगी साथ में नाश्ता करती जाऊँगी तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता यही है और यहाँ पे मेरा नाश्ता वास्ता कर लिया है मैंने अनवी को रखे रखे और ओनित को ये मतलब लाते टाइम की क्लिप है तो ओनित का स्कूल छूट गया था तो ये लेने गए थे यही जाते लेने छोड़ने तो तो यही लेके आते हैं उसको और वहाँ वहाँ मेरे काम ख़त्म ही नहीं हो पाते जब तक ओनित का स्कूल कब ख़त्म हो जाता है मतलब छुट्टी हो जाती है पता ही नहीं चलता तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही डेली ब्लॉग आपको मिलते रहें और ब्लॉग में बने रहिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए ये देखिए अनित भी आ गया है छुट्टी हो गई है जैसे तैयार करके हैं उसके आते टाइम हालत देखिए बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग